नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के शानदार दोस्त रूस से आया ताजा अपडेट यकीनन भारत की फिक्र बढ़ाने वाला है। रूस में अचानक से जिस तरह की स्थिति बन रही है उसे देखकर यही लगता है कि आने वाला वक्त व्लादिमीर पुतिन का इम्तहान लेने वाला है। खास बात यह है कि भारत पूरी ताकत से रूस के साथ खड़ा हो गया है। पीएम मोदी ने कल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के अलावा पुतिन से भी बात की है। उन्होंने पुतिन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, साथ ही भारतीय डॉक्टर्स को रूस की मदद को भेजने का प्रस्ताव भी रखा है। भारत उन डॉक्टर्स को रूस की सहायता के लिए भेज सकता है जिन्होंने रूस के मेडिकल कॉलेज में अध्ययन किया है। ऐसे भारतीयों की संख्या काफी है। इन डॉक्टर्स को रूस के माहौल और वहां काम करने का अच्छा खासा तजुर्बा है। भारत ने कहा है कि अगर रूस ऐसा कोई अनुरोध करता है तो भारत इस पर तुरंत विचार करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत अपने पारंपरिक मित्र के साथ खड़ा दिखना चाहता है। पीएम मोदी रूस के हालातों पर दृष्टि बनाकर रखे हुए हैं। इस वक्त रूस के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। पिछले दो हफ्ते में यहां अचानक से इस वायरस ने सिर उठाया है, जिसके बाद यहां प्रतिदिन 3000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे, मगर कल आए आंकड़ों ने रूस को झकझोर कर रख दिया है। यहां 24 घंटे के भीतर ही 7099 मामले सामने आ गए। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 106496 पहुंच गई। चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमितों की संख्या और भी अधिक होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक सभी का परीक्षण नहीं किया जा सका है। कई कोरोना संक्रमित ऐसे भी हैं जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होता है। हालांकि मार्च के अंत से ही रूस के अधिकांश क्षेत्रों में लॉकडाउन रहा है। इस दौरान लोगों को घर पर रहने का आदेश दिया गया था। केवल आवश्यक व्यवसाय जैसे किराने की दुकान, फार्मेसिया और बैंकों को ही संचालन की अनुमति दी गई है। मगर इतनी सख्ती के बाद भी रूस में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। मंगलवार को ही व्लादिमीर पुतिन ने 11 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, मगर रूस एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जहां लॉकडाउन के बाद हालात ज्यादा बिगड़े हैं। यूएस के बाद स्पेन, इटली जैसे देश हैं जिनमें संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। इसके बाद फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी में 1.5 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं। तुर्की और रूस में संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। भारत द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई के निर्यात से प्रतिबंध हटाने पर रूस ने भारत का आभार जताया था। इस दौरान भारत ने रूस को बिना मांग के ही यह दवाई भेज दी थी। हालांकि अब इस दवाई की ज्यादा अहमियत नहीं रही है। अमेरिका ने इबोला के लिए प्रयोग होने वाली रेमडेसिविर को ज्यादा असरकारक बताया है। इस वक्त भारत और रूस फिर से एक साथ आ गए हैं। दोनों देश एक दूसरे से निरंतर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं। भारत द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के एक्शन प्लान के अनुभव और नतीजे भी रूस को मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही 5 टन से ज्यादा महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री भी भेजी है। भारत ने रूस को आश्वस्त किया है कि अपनी हैसियत के अनुरूप अपने मित्र देश की पूरी मदद की जाएगी। भारत रूस को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा पहले ही भेज चुका है। भारत ने चिकित्सा कर्मियों के एक दल को रूस में भेजने के लिए तैयार करके रखा है, जो रूस की तरफ से हरी झंडी मिलते ही रवाना कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि चीन और रूस के संबंध फिर से निचले स्तर पर आ गए हैं। कोरोना वायरस ने दोनों देशों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन भी इसके लिए चीन को दोषी मान रहे हैं। खासतौर से अमेरिका जिस तरह इस मुद्दे पर चीन की घेराबंदी कर रहा है, चीन को रूस का साथ नहीं मिल पाया है। फिलहाल रूस की चुप्पी को चीन के प्रति नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सिंगापुर जैसे चमचे मुल्क जरूर उसके साथ खड़े हैं। चीन ने रूस को जरूर कुछ पीपी किट और मास्क मदद के तौर पर भेजे थे, मगर उनकी खराब गुणवत्ता की वजह से रूस ने उन्हें उपयोग में नहीं लिया है। पर इसके उलट रूस भारत के रिश्ते पूर्व की भांति मजबूत हैं। इस मुश्किल वक्त में दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे का हाथ थामे हैं। इससे पहले रूस की हथियार निर्माता कंपनी ने भी $20 लाख की मदद प्रधानमंत्री फंड में दान की थी, जो दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का परिचायक है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।